हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिलार्टा 40 mg टैबलेट के बारे में, जो कि इस टैबलेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है तो उन सभी कंडीशनों में इसे डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसे और भी बहुत से पर्पज़ों में इस्तेमाल करते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं जिलार्टा टैबलेट के बारे में। इसमें हर एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के बारे में, किस तरीके से काम करता है, क्या बेनिफिट है, क्या डोज है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, किसे नहीं लेना है, यह सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं जिलार्टा टैबलेट, जो कि आपको यह 40 mg में अवेलेबल हो जाता है। इसे 80 mg में भी अवेलेबल हो जाता है। डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, उस हिसाब से डॉक्टर के द्वारा इस MGO का यूज़ किया जाता है। यह माइक्रोलैब्स कंपनी की बनाई हुई मेडिसिन है। 10 टैबलेट की पैकिंग होती है। 70 से 80 रुपये की प्राइस में 40 mg अवेलेबल हो जाता है। उसके साथ ही साथ MG के हिसाब से इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। जिलार्टा टैबलेट में आपको एक कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कि एजिलसार्टन मिडोक्सीमिल है, जो कि हर एक टैबलेट में आपको 40 mg मिल जाता है। एजिलसार्टन मिडोक्सीमिल, जो कि एक तरीके का एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, जो कि यह एक तरीके का प्रोटोन को रिसेप्टर ब्लॉकर के रूप में काम करता है। यह कॉम्बिनेशन एजिलसार्टन मिडोक्सीमिल, जो कि एक तरीके का केमिकल एक्टिविटी करके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है, आराम करने का काम करता है, जिसके कारण से ब्लड की सप्लाई स्मूथली होने लगती है और हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर जैसे होने के चांसेस को बहुत ज़्यादा रोकने में काफ़ी मददगार होता है। जो भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती हैं उनको यह कम करने में काफ़ी कारगर होता है। इसके अलावा यह कौन कौन से पर्पज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, तो जो कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती हैं, हाइपरटेंशन की समस्या होती हैं, तो उन सभी पर्पज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हार्ट स्ट्रोक या हार्ट फेलियर के होने के चांसेस को कम करने में काफ़ी कारगर होता है। तो इन सभी हाइपरटेंशन से जुड़ी समस्याओं को क्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनके यह बेनिफिट होते हैं। बात करें इस दवा का क्या डोज है, तो डोज डिपेंड करता है कि एज, हेल्थी कंडीशन, किस पर्पज़ में ले रहे हैं, उस हिसाब से इसका डोज कन्फर्म होता है। यह सभी बातें डॉक्टर की देखरेख, डॉक्टर के सलाह के बाद डोज इस्तेमाल क्या करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इन सभी बातों का डॉक्टर के द्वारा कंफर्मेशन किया जाता है। यह स्ट्रिक्टली डॉक्टर की रेख देख में इस्तेमाल किया जाने वाला यह मेडिसिन है। यह मेडिसिन अकेले नहीं दी जाती है, इसे और भी मेडिसिन के साथ कंबाइंड करके दिया जाता है। जो भी प्रॉब्लम होती है वह बहुत जल्दी कंट्रोल हो सके, उन सभी कंडीशनों में यूज़ करते हैं। इसका डोज का कन्फर्मेशन और लेना है या किस तरीके से लेना है, इन सभी बातों का डॉक्टर के सलाह में करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। बात करें क्या नुकसान हो सकता है, अगर आपको वॉमिटिंग, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, कब्ज की समस्या, मुंह का सूखना, चेहरे पे सूजन होना, इस तरीके का आपको कोई समस्या देखने को मिलती है, तो आपको यह सूट नहीं करे और आपको यह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बात करें किसे नहीं लेना है, अगर आप किडनी पेशेंट हैं, आपको लीवर की किसी प्रकार की कोई मेडिसिन चल रही है, प्रेग्नेंट लेडी हैं, या आप किसी प्रकार के कोई पेशेंट हैं या मेडिसिन कोर्स चल रहा है, तो उन सभी कंडीशनों में आप इसे इस्तेमाल ना करें, और करते हैं तो डॉक्टर की रेख देख में करें। तो यही था जिलार्टा टैबलेट के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो या जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।